देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। लंबे सस्पेंस के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। राज्य की कमान भूपेश बघेल के हाथों में आखिरकार सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी एक नाम तय करने में कांग्रेस को खूब मशक्कत करनी पड़ी। उन दोनों राज्यों से छत्तीसगढ़ का फैसला काफी मुश्किल रहा, क्योंकि यहाँ दो नहीं चार चार दावेदार थे। आखिर में बाजी भूपेश बघेल ने मार ही ली। भूपेश बघेल कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रमुख हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले भूपेश बघेल राजनीतिक गलियारों में अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की है। इस जीत का सेहरा बघेल के सिर ही बांधा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से लेकर नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की सारी रणनीति उन्होंने ही बनाई थी। भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर कांग्रेस के सभी 68 विधायकों द्वारा लिखित समर्थन के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने का आमंत्रण दे दिया है। आज भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसके बाद डिप्यूटी सीएम और कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति का फैसला लिया जाएगा। राहुल गांधी और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई राष्ट्रीय नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ताजपोशी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भूपेश बघेल साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रायपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तीन बड़े मंच तैयार हो रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्रियों के लिए विशेष मंच बनाया गया है। 68 विधायकों और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए अलग अलग मंच बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए साइंस कॉलेज मैदान में सुरक्षा का भी बंदोबस्त किया गया है। यहां वीआईपी और वीवीआईपी के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैनात किए गए हैं। भूपेश बघेल ने राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों से समर्थन मूल्य पर 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीद करने का निर्णय होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के बाद सरकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए धान की खरीद में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धान की खरीद पिछले साल से ज्यादा रहने का अनुमान है। इन दोनों राज्यों में चुनाव से पहले प्रोत्साहनों की घोषणा के कारण अधिक किसान सरकारी एजेंसियों की बिक्री कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव पूरा होने के बाद खरीददारी बढ़ी है और अभी आवक पिछले साल से कहीं ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के राजधानी स्थित आवास पर तमाम फाइलें जला दी गईं। फाइलों में क्या था, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फाइलों को जलाने के दौरान रामसेवक पैकरा आवास में ही मौजूद थे। वहीं मामले में उनके निजी सचिव ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आज की बड़ी खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।